9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के 7 पड़ोसी देशों के लीडर शामिल हुए। मालदीव के राष्ट्रपति पहली बार भारत आए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और नेपाल के पीएम प्रचंड, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। उससे पहले शेख हसीना ने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन से वापस लौट चुके हैं। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान शहबाज ने एक बार फिर से कश्मीरी मुद्दा उठाया। इंदौर रेलवे स्टेशन के यार्ड में युवती का शव मिला। शव 3 हिस्सों में था। कमर के नीचे का हिस्सा और हाथ धड़ से कटे मिले। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में तेज बारिश हुई। जैसलमेर के रामगढ़ में ओले भी गिरे। एमपी का मेहर अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि कई सालों से पंचायत के काम अधूरे हुए हैं। उज्जैन पुलिस ने एक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो कि कार के स्पेशल आयशर ट्रक की चोरी करता था। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 ट्रक सहित कार बरामद की है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती रविवार को मनाई गई। भोपाल के वार्ड नंबर 66 में पार्षद जितेंद्र सिंह राजपूत माल्यार्पण करते हुए गिर गए। इससे पार्षद और उनके मामा को चोट भी आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने जेईई एडवांस 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंदौर के वैद्य लाहोटी ने ऑल इंडिया टॉप किया है। आज की खबरों में इतना ही। ऐसे और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।